अभी दोपहर के 4 बज गए, आई मीन शाम के 4 बज गए, हम लोग उठे दोपहर को 12 बजे, रात को पूरा यहाँ पे सब पार्टी चालू था, रात भर चल रहा था पार्टी, सही था, समथिंग डिफरेंट। और अभी जा रहे लंच करने के लिए, उसके बाद बीच पे, आई मीन बीच पे ही है अभी, बट लंच करके पानी में। खाना खाते हैं, भूख लगी है और पब्लिक यहाँ पे एंजॉय कर रही है। अभी बहुत लोग पानी में आए दोपहर के 3:30 बजे, सो क्या ऑर्डर करें अभी? क्या ऑर्डर? So guys, we have ordered fish fingers and prawn curry rice and it looks amazing. Delicious, मतलब दिखने में तो बहुत सही लग रहा है, तो खा के देखते हैं। किंगफिश है भाई, सुरमई अपनी भाषा में। चलो लेट्स हैव इट, लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, लेके आ रहे खाएंगे। इट्स ग्रेट, सुपर। अगर इन केस कभी आप आए तो फिश फिंगर्स डेफिनेटली ऑर्डर। चलो अभी खाते हैं। कड़कती धूप में नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, ओवरएक्टिंग कर रही। धूप है इधर, देखो आंखें नहीं ठीक से खुल रहे फिर है। मतलब नॉर्मली ओवरएक्टिंग करता है। व्हाट जस्ट है, मछली के जाले में फंस गया। मेरे को सर्व कर दो थोड़े टाइम के लिए। क्या है, थोड़ा धूप है, थोड़ी देर में जाते पानी। आँख नहीं खुल रही, देखना कितना धूप है। तो चलते हैं पानी में, अभी हवा काफी ठंडा है, मस्त लग रहा है एकदम हवा।
तो चलो गाइस थोड़ा पानी में हम लोग मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद मैं शैक्स में बैठ के बात करता हूँ वापस कि कैसे लगा यहाँ पे। वैसे कुछ अलग लगने जैसा है नहीं, सब लोग ही आते समंदर में मजा करते हैं। मार रही है मेरे को, पकड़ के नहीं रहा मुझे। ठीक है चलो कुछ फोटो क्लिक्स करते हैं। ओके मीम्स कुछ सारे मीम्स हैं। हाँ तो क्या हो गया, तो समंदर में वेव्स ही रहेंगे ना, नदी में थोड़ी आए अपन, कुएं में थोड़ी कूदे। तो अभी रात के डिनर के टाइम पे हम लोग गोवा में यहाँ पे अंडा पाव खाए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ का पाव जो रहता है बहुत डिफरेंट रहता है ना, मतलब मुंबई में जो मिलता है उससे बहुत ही अलग है, इसलिए सोचा कि ये टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे होता है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी क्या दूर को Say hello. उसको कुछ देते हैं। तो अभी अंडा पाव खाते हैं, फिर वापस लेट नाइट डिनर करते हैं, एंड देन कल यहाँ से निकलेंगे। तो अभी यहाँ पे जस्ट रुके हैं ऑन द वे, और ये डोल्स अमोर कैफे बेकरी, यहाँ से हम लोगों ने एक पेस्ट्री ली और देखते हैं क्या लिया हम लोगों ने। चोको ब्राउनी। तो चोको ब्राउनी लिया है, जाके देखते हैं खा के कैसे लगता है टेस्ट। ओके आई होप इट विल बी द बेस्ट। राइमिंग हो रहा है, बहुत राइमिंग। सो गाइज वी आर एट कैंडलियम बीच, और यहाँ पे है किंग्स पेंशन। द ओनर इज सचिन जोशी, एंड प्रीवियसली द ओनर वॉज विजय माल्या। पहले इसका नाम था किंग फिशर मैंशन कैंडलियम में, और अभी किसी और ने परचेस किया है आफ्टर सो मच कंट्रोवर्सी ऑक्शन में। दिस इज ताज रिजॉर्ट एट अगुडा फोर्ट, सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। वी जस्ट टुक अ राइड फ्रॉम द मेन रोड एंड हेडिंग टूवर्ड्स सिंक्वेरम बीच। ये आता है, पहले आता है बागा, उसके बाद में कलंगूट, उसके बाद कैंडलियम, और अभी सिंक्वेरम। कितने अच्छे नाम है ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड। ये ताज है ना, दिस इज ताज आई गेस, यस, एंड दिस इज सिंक्वेरियम बीच। ये दिस बीच इज क्वाइट आइसोलेटेड, यहाँ पे कोई चहल पहल है नहीं। ये क्या है, इधर से कहाँ जाना है बीच पे जाने के लिए, ऐसा एक्सेस काफी डेंजर है। What is this? Goan Heritage Thali, Morisco and
मार्टिनी बार ओके बार हम लोग कल वहाँ पे थे कैंडलियम में और वहाँ से ये जगह इतनी चमक रही थी बहुत ही सही दिख रहा था सो अभी यहाँ से निकले कुछ खास है नहीं यहाँ पे बस ये प्रॉपर्टी देखने के लिए आए थे कितना ब्यूटीफुल है मतलब बहुत अच्छे से बनाया ना यहाँ पे ऐसे कोई चलते चलते ऐसे व्लॉग करते करते इधर फिर टिश्यू को जाएगा कोई और अभी तक खाना खाना बाकी है बाद में खाएंगे चलो चलते हैं ये ताज ऐसे जगह पे बना है जहाँ से ये जो रोड एक्सेस है ये एकदम अजीब है काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है तो इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा ये साइड में मतलब ये एकदम कोने वैसे आज वेनसडे है तो गोवा में चहल पहल थोड़ी कम ही रहती है ज़्यादा नहीं सब लोग शांत रहते हैं मोस्टली यहाँ पे संडे मंडे एंड थर्सडे आफ्टर थर्सडे सारे पार्टीज एंड ऑल चलते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पता लगाया है बाकी का पता नहीं So this is Sachin Joshi Villa, the King's Will, King's Mansion. ये विला परचेज किया है बंदे ने 74 करोड़ में जिसकी वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ के ऊपर है क्या बात है So here we are back to Anjuna at our place, the Curlies Resort. और यहाँ पे in-house party है आज. बड़ा struggle करना पड़ता है room तक पहुँचने के लिए. रात में तो जो मतलब sea shows रहते हैं ना बहुत उसका आवाज बहुत सही रहता है सो फाइनली वी हैव रीच्ड हियर पहाड़ उतरते पहाड़ चढ़ते ये क्या बात हुई भाई Let's get inside. Change करते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं।